वेलकम टू इंटेलेक्टस केमिस्ट्री मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूँ आज 15 अगस्त है और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के, के अगले चैप्टर पॉइंट की तरफ पढ़ेंगे हम लोग और वो पॉइंट है हमारा इंजाइम जाइम कैटलिसिस इसकी पहले वीडियोस में हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री के बारे में उसकी बेसिक्स के बारे में उसके बाद कैटलिसिस एडजॉपशन थ्योरी सारी चीज़ें देख लिया है आज का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इंजाम कैटालिसिस और ये बहुत सारे एग्जाम पूछे जाते हैं चाहे वो क्लास ट्वेल्थ के एग्ज़ाम का हो या नीट हो एम्स हो जेई मेन्स हो जिपमर हो या अदर एग्जामेशंस में भी इंजाम कैटालिसिस को लेके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हम आज तक देखते आ रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए हैं और एक बात अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलकन को जरूर से हिट करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके आइए हाँ शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंजाइम कैटालिसिस सो पहला हमारा होगा पॉइंट इसमें एंजाइम्स आर द कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स एंजाइम एक कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि लिविंग प्लांट और एनिमल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है एंड दे आर एक्चुअली प्रोटीन्स एंजाइम्स क्या होते हैं प्रोटीन्स होते हैं जो कि हाई मोलिकुलर मास के होते हैं और कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं वाटर में आई बात समझ में तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट ये दे सकते हैं कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स इसको हम अक्सर एग्जाम में वेरीफाई करने के लिए पूछते हैं ट्रू फॉल्स में जस्ट जस्टिफाई द क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है वॉट इज़ दैट all enzymes are proteins but all proteins are not enzymes okay now next is the they are very effective catalyst catalyze the numerous reactions especially those connected with the natural processes जितने भी natural processes related होते हैं उन सब में ये enzyme एक effective catalyst के तौर पर use होता है और बहुत ही effectiveness के साथ अपना काम करता है और बहुत precisely होता है ये बहुत कम अमाउंट में बहुत ज़्यादा रिएक्शंस को बहुत ज़्यादा अमाउंट्स को कैटलाइज करता है सो न्यूमरस रिएक्शंस डेट ऑकर इन द बॉडीज़ ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स टू मेंटेन द लाइफ प्रोसेस आर कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम्स। प्लांट या एनिमल बॉडीज़ में लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो भी नेचुरल प्रोसेस होती हैं उन सभी न्यूमरस रिएक्शंस कैटलाइज किए जाते हैं एंजाइम्स के द्वारा आई बात समझ में सो द एंजाइम्स आर दस टर्म्ड एज द बायो केमिकल कैटलिस्ट एंड द फोमिन इज नोन एज द बायो केमिकल कैटलिस तो इस तरह से ये एंजाइम्स जो होते हैं लिविंग प्लांट और एनिमल्स के बॉडीज़ में ज़्यादा इफेक्टिव वर्क होते वर्केबल होते हैं इसीलिए इनको बायो केमिकल कैटलिस्ट बोलते हैं कैटलिस्ट तो ये है ही क्योंकि ये बहुत सारे रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं और बायो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्टिवेट ज़्यादा होते हैं और केमिकल इसलिए बिकॉज इट इज़ अ केमिकल कैटलिस्ट ठीक है केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट होते हैं इसमें सो एंजाइम्स आर द स्टॉर्मड एज द बायो केमिकल कैटलिस्ट एंड द फेनोमेना इज नोन एज द बायो केमिकल कैटलिसिस मैनी एंजाइम्स हैव बीन ऑप्टेन इन प्योर क्रिस्टलाइन स्टेट फ्रॉम द लिविंग सेल्स हाउ एवर द फर्स्ट एंजाइम वॉज सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी इन नाइनटीन सिक्सटी नाइन ठीक है बहुत सारे एंजाइम्स को प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में लिविंग सेल से एक्सट्रैक्ट किया गया है वहाँ से निकाला गया है जबकि पहला पहला एंजाइम जो ही लैब में सिंथेसाइज किया गया है वो था उन्नीस में सो द फॉलोइंग आर द सम एंजाइम्स कैटेलाइज रिएक्शन इज़ फर्स्ट वन इज द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है केमिकल कैनिटिक्स में भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे

डीज टू कॉन्स्टिटूंट तो ये भी एक कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन है ये टूट के इसमें जाता है और यहाँ जैसे ही इंजाइम निकालते हैं ये दोनों फिर से कन्वर्ट हो जाते हैं किस में अपने केन शुगर के फॉर्म में आई बात समझ में तो यहाँ पे इंजाइम का हम रोल देख रहे हैं कि हमारा जो केन शुगर है केन शुगर का इन्वर्जन हो रहा है किसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ओके ना नेक्स्ट रिएक्शन इज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इन टू द इथाइल एल्कोहल एक तरह से बोले तो ये फर्मेंटेशन uh, प्रोसेस है ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं द जाइमेज एंजाइम यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज़ कर रहे हैं जाइमेज जाइमेज एंजाइम कन्वर्ट्स द ग्लूकोज इनटू द इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड सो दिस इज़ द ग्लूकोज एंड यूजिंग द जाइमेज एंजाइम द रिजल्ट इज द इथाइल अल्कोहल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड आई बात समझ में चलिए नेक्स्ट इज़ द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इंटू द माल्टोज स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए हम जो इंज़ाइम यूज़ करते हैं दैट इज़ द डास्टेज एन्जाइम डाइस्टेज एंजाइम यूज़ करके हम इस स्टार्च को कन्वर्ट कर लेते हैं किस में माल्टोज़ में ओके चलिए नेक्स्ट इज़ द कन्वर्जन ऑफ़ द माल्टोज इंट द ग्लूकोज़ द माल्टेज एनजाइम इज़ यूज टू कन्वर्ट द माल्टोज़ इंटू द ग्लूकोज़ एक तरह से आप देख रहे हों कि इन्जाइम्स का नाम उसके सबस्ट्रेट के ऊपर ही होता है जैसे माल्टा माल्टोज है माल्टोज़ के लिए एंजाइम है माल्टेज ठीक है तो कुछ कुछ अलग होता है बट मैक्सिमम का रिलेटेड होता है उसी के सबस्ट्रेट जिस पे वो वर्क करता है तो यहाँ पे माल्टोज को कन्वर्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे किसमें ग्लूकोज में बाई यूजिंग द एंजाइम माल्टेज ओके नेक्स्ट इज़ द डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इन द अमोनिया एंड कार्बन डाईऑक्साइड द एंजाइम यूरिएज यूरियज कैटलाइज दिस रिएक्शन दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन ओके सो यूरिया जब यहाँ पे यूरिएस एंजाइम लगाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है इसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूंट में जिससे कि ये मिलके बना होता है दैट इज़ अमोनिया एंड टू आई बात समझ में तो यहाँ भी यूरिया के ऊपर काम करना है तो एंजाइम का नाम यहाँ पे हमने क्या दे दिया है तो सबस्टेट से रिलेटेड होता है यहाँ पर एंजाइम्स का नेम ओके okay. तो यहाँ से हम बहुत सारा आइडिया इस तरह से भी लगा सकते हैं कि अगर एंजाइम का नाम कुछ दिया हुआ है तो उससे रिलेटेड हमारा सबस्टेट किया हो सकता है तो एक दूसरे से कंपेरावली मिले हुए होते हैं सबस्टेट के नेम पे ही एंजाइम का नेम दिया जाता है तो बेसिकली हमें कोरिलेट करना बहुत ही आसान हो जाता है और ये बहुत सारे एग्जाम्स में ईजिली इसको हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं सो नेक्स्ट इज़ द इन द स्टमक अब हम स्टमक की बात करेंगे स्टमक में बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मेनटेन करते हैं हमारे जो फूड लेते हैं को जो भी इंटेक करते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं तो दैट एंजाइम इज़ डूइंग द डियर बायो कैमिकल जॉब ओके द पेप्सीजाइम कन्वर्ट द प्रोटीन इंटू द पेपटाइट्स वाइल द वल्ड इन इंटेस्टाइन द पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिन कन्वर्ट्स द प्रोटीन इंटू द अमीनो एसिड बाई द हाइड्रोसिड प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम जब काम करता है स्टमक में तो वो किस में कन्वर्ट करता है पेप्टाइड्स में जबकि इंटेस्टाइन में बात करते हैं तो इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिन जो तो होता है वो प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है कि इसमें अमीनो एसिड्स बाय द हाइड्रोलिस ट्रिप्सिन वहाँ पर हाइड्रोलिस करके और भी छोटे फॉर्म में जो कि अमीनो एसिड उसका बेसिक कॉन्स्िटेंट होता है किसका प्रोटीन का उसमें तोड़ता है जबकि स्टमक तो में हमारा जो स्टमक तो है जो स्ट पेट है वहाँ पर क्या होता है पेप्सिन एंजाइम जो निकलता है वो पेप्सिन एंजाइम वर्क करता है प्रोटीन्स के ऊपर और वो कन्वर्ट करता है उसके सेकेंड बेसिक पार्ट जो कि होता है हमारा पेप्टाइड्स जो कि पेप्टाइड जो होता है अमीनो एसिड से मिलकर बनता है और पेप्टाइड से मिलकर बनता है प्रोटीन तो ये एक तरह से क्या हुआ एक सीक्वेंस है अमीनो एसिड से पेप्टाइड बनता है पेप्टाइड से प्रोटीन बनता है तो ये एक सीक्वेंस है जिसके धीरे धीरे उसी सीक्वेंस में टूटता भी है नेक्स्ट इज़ द कन्वर्जन ऑफ़ मिल्क इनटू द कर्ड मिल्क से कर्ड बनना भी एक तरह का इंजाइमेटिक प्रोसेस है सो इट इज़ एन एन्जामेटिक रिएक्शन ब्रॉट अबाउट बाय द लैक्टोबैसिलाई एंजाइम प्रेजेंट इन द कर्ड कर्ड में लैक्टोबैसिलस का एक बैक्टीरिया होता है जो कि एंजाइम प्रोड्यूस करता है लैक्टोबैसिलाई और वो वर्क करता है मिल्क के ऊपर और कन्वर्ट कर देता है कर्ड में मिल्क कन्वर्ट होता है किसमें कर्ड में तो ये भी एक तरह का बायोकेमिकल एक्शन है बायोकेमिकल साइकिल है तो वहाँ भी उसको देखा जाता है अब बात कर लेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम कैटालिसिस एंजाइम कैटालिसिस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो देखेंगे एंजाइम कैटालिसिस इज़ यूनिक इन इट्स एफिशिएंसी एंड हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी एंजाइम एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट uh, होता है जो कि एक स्पेसिफिक सब्स्टेट के ऊपर ही काम करता है और इसकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है और बहुत ही यूनिक होता है सो so फॉलोइंग इसके कैरेक्टरिस्टिक है आई देखते हैं वन बाय वन पहला है द मोस्ट हाईली एफिशिएंट। वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एंजाइम मेक ट्रांसफॉर्म वन मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ़ द रिएक्ट पर मिनट यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी देख सकते हैं कि इंजाइम का एक मॉलिक्यूल किसी सबस्ट्रेट का वन मिलियन मॉलिक्यूल को एक मिनट में कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में तो एक तरह से इसकी एफिशिएंसी बहुत हाई है इसलिए इंजाइम्स अपने आप में बहुत ही अच्छा कैटलिस्ट माना जाता है नेक्स्ट इज द हाईली स्पेसिफिक नेचर ईच इंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर अ गिवन रिएक्शन दैट इज़ वन कैटलिस्ट कैनॉट कैटलाइज मोर देन वन रिएक्शन यहाँ पे हम स्पेसिफिक नेचर की बात कर रहे हैं मतलब कि एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है और वो उसके लिए एकदम परफेक्ट होता है उसके अलावा कहें तो कहीं काम कर सकता है नहीं कर सकता इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सब जगह काम करेगा बट एक सबस्ट्रेट के लिए एक एंजाइम बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है आई बात समझ में चलिए एग्जाम्पल द एंजाइम यूरिएज कैटलाइज द हाइड्रोलिस ऑफ यूरिया ऑनली यूरियज एंजाइम केवल यूरिया पर ही वर्क करेगा इट डज़ नॉट कैटलाइज द हाइड्रोलिस ऑफ एनी अदर अमाइड यूरिया भी हमारा एक अमाइड है इसका मतलब ये नहीं कि यूरिया यूरिया के ऊपर जो यूरियज काम कर रहा है यही यूरियज अदर एन अमाइड के ऊपर भी वर्क करेगा नहीं ऐसा नहीं है यूरिएस केवल यूरिया के ऊपर ही वर्क करेगा और उसी को कैटलाइज़ करेगा किसी भी अदर अमाइड को हाइड्रोलाइज नहीं करेगा दैट मीन्स एंजाइम इज़ वेरी स्पेसिफिक इन नेचर आई बात समझ में थर्ड पॉइंट इज हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे द रेयर द रेट ऑफ एंजाइम एंजाइमेटिक रिएक्शन बिकम्स मैक्सिमम मैक्मम डेफिनेट टेम्परेचर कॉल द ऑप्टिमम टेम्परेचर एक ऐसा डेफिनेट टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे उस एंजाइम का इन्जाटिक रिएक्शन सबसे ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑन आइदर साइड ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर द एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीजेज मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर हमने ये मान लिया इसके ऊपर जाएंगे या उसके नीचे जाएंगे तब भी रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज यहाँ पे क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा यहाँ भी रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा मतलब कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर उस एंजाइम का एंजामेटिक रिएक्शन जो कैटलिसिक प्रोसेस होता है वो बहुत हाई होता है उससे टेम्परेचर को हम बढ़ा दें या उससे टेम्परेचर को घटा दें उस टाइम पे क्या होगा कि एंजाइमेटिक रिएक्शन स्लो होगी तो इसीलिए बोला गया है एक ऐसा टेम्परेचर पे रिएक्शन रेट बहुत हाई होता है बाय दैट पर्टिकुलर इन्जाइम इज़ नोन एज द ऑप्टिमम टेम्परेचर और उस ऑप्टिमम टेम्परेचर से चाहे ऊपर जाएँ चाहे नीचे जाएँ एंजाइमेटिक रिएक्शन का रेट स्लो होगा आई आईबा समझ में उसकी एक्टिविटी डिक्रीज होगी द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर द एन्जामेटिक एक्टिविटी इज़ टू नाइन्टी एट टू थ्री हंड्रेड एंड टेन कैलविन दो सौ अंठानवे से तीन सौ दस कैलविन का हमारा जो रेंज है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज माना गया है लगभग लगभग पच्चीस डिग्री से सैंतीस डिग्री टेम्परेचर तक का जो रेंज होता है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर माना गया है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर बींग थ्री हंड्रेड एंड टेन कैलविन इज सूटेड फॉर द एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जैसा कि हम जानते हैं 36 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो उसके अकॉर्डिंग 310 सौ जो होता है ह्यूमन बॉडी के लिए परफेक्ट टेम्परेचर होता है उसकी एंजाइमेटिक कैटालिसिस के लिए एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन के लिए और उस पर रिएक्शन रेट बहुत ही हाई होगा आई बात समझ में नेक्स्ट पॉइंट इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन प्रजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स एंड को एनजाम अब एक्टिवेटर्स और को एनजाइम क्या होते हैं एक्टिवेटर्स को तो हम पहले जान चुके हैं बट को एनजाइम क्या होता है वो देख लेते हैं द एन्जेटिक एक्टिविटी इज इंक्रीज इन द प्रजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंस नोन एज द कोजैन एक ऐसा सब्सटेंस जो कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है उसको बोलते हैं को एंजाम इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट वेन अ स्मॉल नॉन प्रोटीन सच एज विटामिन इज प्रजेंट एलॉन्ग विद एन दजाइम द कैटेलेटिक एक्टिविटी इज इंहैंस्ड कंसिडरेबली मतलब कि ये जो को एंजाइम है कोई एक नॉन प्रोटीनस पार्ट होगा आई बात समझ में को इंजाइम क्या होता है नॉन प्रोटीनस पार्ट दैट मीन्स मे बी विटामिन मे बी मेटल आयन दैट विल बी को इंजाइम तो इनकी प्रेजेंस में जो नॉन प्रोटीनस स्मॉल पार्ट होता है जो कि विटामिन हो सकता है कोई मेटल आयन हो सकता है इनकी प्रेजेंस में एंजाइम की कैटलीटिक एक्टिविटी बहुत ही कंसिडरेबली इन्हेंसड हो जाती है तो कोंजाइम की प्रेजेंस में एंजाइम की एक्टिविटी क्या हुई इनहेंस हुआ अब हम एक्टिवेटर्स की बात करते हैं एक्टिवेटर्स आर जनरली मेटल सच एज द सोडियम आयन मैग्नीज आयन कोबॉल्ट आयन कॉपर आयन, सच एस एट्सेट्रा मेनी मोर मेटल आयन्स डीज मेटल आयन्स वेन वीकली बॉन्डेड टू द एंजाइम मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज दियर कैटेलिटिक एक्टिविटी ये मेटल आयन जब वीकली बॉन्डेड होते हैं उस एंजाइम के पार्ट से तो वहाँ पे उसकी कैटेलिटिक एक्टिविटी बढ़ गई होती है फॉर एग्ज़ाम्पल एमाइलेज इन प्रोजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट इज सोडियम आयन आर कैटेटिकली वेरी एक्टिव एमाइलेज एंजाइम जो होता है हमारे एमाइलोज पे वर्क करता है जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हाइड्रोलोसिस में हेप करता है तो वहाँ पे वो एमाइलेज जो होता है हमारा सोडियम आन के प्रेजेंस में उसकी कैटेलिटिक एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है बहुत ही ज़्यादा वो एक्टिवेट करता है हमारे एमाइलेज एनजाइम को आईबासबंध में तो ये काम होता है हमारा को और एक्टिवेटर्स का इन दोनों के प्रजेंस में कोई भी प्रजेंस हो वहाँ पर एंजाइम की कैटलिटिक एक्टिविटी को इन्हेंस करता है उसको इनक्रीज़ करती है आइबासवंध में नेक्स्ट पॉइंट इन्फ्लुएंस ऑफ द इनहिबिटर एंड पॉइजन्स पॉइजन्स क्या होते हैं ये हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं पॉइजन्स जो उसकी रेट को स्लो डाउन करते हैं वही काम इनहिबिटर्स भी करते हैं सो लाइक ऑर्डिनरी कैटलिस्ट एंजाइम्स आर आल्सो इन्हीबिटेड और पॉइजन बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस द इनहिबिटर्स और द पॉइजन इंटरेक्ट विद द एक्टिव फंक्शनल ग्रुप ऑन द एंजाइम सरफेस एंड ऑफ़न रिड्यूस और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द कैटलिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स अदर कोई भी कैटलिस्ट की तरह ही एंजाइम्स भी इन्हीविटेड किए जाते हैं या पॉइजन किए जाते हैं कुछ ऐसे सबस्टेट के प्रेजेंस में जिसको हम पॉइजन्स या इनहिबिटर्स बोलते हैं और ये काम कैसे करते हैं इनहिबिटर या पॉइजन्स जो होते हैं हमारे एंजाइम्स के सरफेस पे जो भी एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होते हैं जो भी एक्टिव फंक्शनल ग्रुप प्रजेंट होते हैं उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसकी जो एक्टिविटी है उसको या तो रिड्यूस कर लेते हैं या फिर कंप्लीटली ख़त्म कर देते हैं ओके नाउ नेक्स्ट इज़ द यूज़ ऑफ़ मनी ड्रग्स इज़ रिलेटेड टू दियर एक्शन और एनजाइम इन्हीबिटोर्स इन द बॉडी कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के एन्जाइम्स के लिए इन्हीबीटर्स या फिर डिस्ट्रॉयर कह लें या फिर पॉइजन कह लें उनकी तरह वर्क करता है ओके नेक्स्ट इज़ द मेकनिज़म ऑफ एंजाइम कैटलिसिस एनजाइम कैटलिसिस का मैकेानिज़म क्या है तो मेकेानिज़म एंजाइम की कैटलिसिस का जो मेकेानिज़म है उसके लिए दो हाइपोथिस दिए गए हैं पहला पॉइंट पहला हाइपोथेसिस होता है हमारा लॉक एंड की मॉडल या लॉक एंड की हाइपोथेसिस बोल सकते हैं ऑफ द एंजाइम कैटालिसिस और दूसरा होगा हमारा इंड्यूस्ड फिट मॉडल तो वन बाय वन हम इन दोनों मॉडल्स को पढ़ेंगे और उनका जो डायग्रामेटिक व्यू होता है वो भी देख लेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहला हम लॉक एंड so, की मॉडल ऑफ एंजाइम कैटालिसिस सो देर आर नंबर ऑफ़ कैविटीज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल ऑफ़ एंजाइम्स एंजाइम्स के सरफेस पे बहुत सारे कैविटी प्रेजेंट होते हैं जो कि एज एन एक्टिव साइट वर्क करता है एंड दीज कैविटीज़ आर कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड पॉजेज एक्टिव ग्रुप सच एज द अमीन ग्रुप एसिड ग्रुप एस एच ग्रुप ओए ग्रुप एट्सेट्रा बहुत सारे ग्रुप भी प्रजेंट होते हैं वहाँ पे। तो उन कैविटीज़ में एक्टिव साइट्स के तौर पे वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्टिव होते हैं वहाँ पर जैसे कि अमीन ग्रुप हो गया एसिड ग्रुप हो गया एस एच ग्रुप हो गया थाल ग्रुप या अल्कोहल ग्रुप ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं दिज आर एक्चुअली द एक्टिव सेंटर्स ऑन द सर्फेस ऑफ एंजाइम पार्टिकल्स और यही में एक्चुअल में एक्टिव साइट्स होते हैं एंड द मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट और द सबस्ट्रेट विच हैव द कॉम्प्लीमेंट्री शेप इनके कॉम्प्लीमेंट्री में जो उसके पास शेप होता है फ़िट इंटू दिस कैविटीज जस्ट लाइक अ की फ़िट इंटू अ लॉक जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं या जो हमारे सबस्ट्रेट होते हैं इन एक्टिव साइट्स के कॉम्प्लीमेंट्री में जो भी शेप होता है उनमें एग्जैक्टली exactly फिट होते हैं जैसे कि किसी ताले में कोई चाबी फिट होती है एक ताले के लिए एक ही चाबी होती है ठीक है तो एक ताला सभी चाबी से नहीं खोलता एक ताला एक चाबी से खुलता है क्योंकि उसके पास पर्टिकुलर वही शेप होता है जिसमें वो उसमें फिट बैठता है उसी तरह से प्रोटीन के एंजाइम्स का जो सरफेस है उस पर जो साइट है और जो हमारे सब्सट्रेट के पास जो शेप होगा उसका जो एक्टिव साइट है ये दोनों जब तक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे कभी भी एक दूसरे में फिट नहीं होंगे और फिट नहीं होंगे तो रिएक्शन को कर्टिलाइज़ नहीं करेंगे तो एग्जैक्टली exactly उसी लॉक एंड की हाइपोथेसिस से रिलेटेड दिया गया है लॉक और की जैसा मॉडल लिया गया है इसीलिए इसको नाम दिया गया है लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम कैटालिसिस ऑन अकाउंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्टिव ग्रुप्स एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म विच देन डिकम्पोज़ेस टू इल्ड द प्रोडक्ट ऑन अकाउंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्टिव ग्रुप क्योंकि वहाँ पे एक्टिव ग्रुप प्रेजेंस है और वहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और वहाँ पे प्रोडक्ट को डिकम्पोज कर दिया जाता है इल्ड देता है वहाँ पे प्रोडक्ट ओके okay? तो यहाँ पे हमारा एक तरह से डायग्रामेटिक व्यू दिया गया है अब आइए इसको हम वन बाई वन स्टडी कर लेते हैं ये हमारा एंजाइम्स है इसके पास प्रॉपर शेप है ये और दोनों सबस्टेट के पास भी वही शेप है तो ये दोनों पहले आएंगे पास में इंटरेक्ट होंगे इस शेप के पास जैसे ही इंटरेक्ट हुआ यहाँ पे एक दूसरे के साथ फिट हुआ बॉन्डिंग बनती है और फिर यहाँ से उस प्रोडक्ट को डिकम्पोज कर दिया जाता है और हमारा एक्टिव साइड फिर से फ्री हो जाता है इसीलिए बोला गया है उस मीडियम में जो हमारा एंजाइम जाता है जितना ही एंजाइम हम इस्तेमाल करते हैं उतना एंजाइम वहाँ पे यूज होकर उतना एंजाइम बाहर भी जाता है कैटलिस्ट का काम यही होता है कि प्रोडक्ट बनाए रिएक्शन या सबस्टेट का बीच में रिएक्शन जो होता है वो करके प्रोडक्ट को बाहर निकाल के एंजाइम एज इट इज बाहर निकलता है और वो आगे के रिएक्शंस को भी इंड्यूस करता है उसको प्रोसीड करने में हेल्प करता है तो इनमें जो स्टेप फॉलो किए गए हैं उन सब स्टेप्स को बारे में भी देख लेते हैं दस द एंजाइम कटलाइज रिएक्शन मे बी कंसीडर्ड टू बी प्रोसीड इन टू स्टेप्स व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इज द बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू द सबस्टेट टू फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट मिल के एक हाई एनर्जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं देन आफ्टर द डिकम्पोजिशन ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म द प्रोडक्ट यहाँ पे जो हाई एनर्जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना हुआ है अब यहाँ से एंजाइम अलग हो जाता है और हमारा प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है तो यही दो स्टेप फॉलो होते हैं इस लॉक एंड की मॉडल में आई बात समझ में तो ये पहला मॉडल हमारा कंप्लीट होता है दूसरा हमारा जो मॉडल है इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ एंजाइम कैटालिसिस व्हाट इज इट द इंड्यूस्ड फिट मॉडल इज अ मॉडल फॉर एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन इट डिस्क्राइब्स दैट ओनली द प्रॉपर सबस्ट्रेट इज कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग द प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द एक्टिव साइट्स दैट विल इनेबल्स द एंजाइम्स टू परफॉर्म इट्स कैटालिटिक फंक्शन ये क्या बोल रहे हैं नाम से ही पता चल रहा है इंड्यूज फिट मॉडल मतलब कि एंजाइम के पास शेप कोई भी हो लेकिन अगर उस सबस्टेट के पास ये कैपेबल है कि उनके शेप में कुछ चेंजेस करा सकते हैं उनमें कुछ चेंजेस इंड्यूस कर सकते हैं देन ऑनली द एंजाइम्स विल बी इन प्रॉपर अलाइनमेंट तभी वहाँ पे एक प्रॉपर अलाइनमेंट होगा किसके किसके बीच में एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में और तभी वहाँ पे एंजाइम जो होता है हमारा कैटलिटिक एक्टिविटी करने के लिए परफॉर्म करने के लिए एक्टिव होता है तभी वो आगे काम करेगा सो द इंड्यूस्ड फिट मॉडल सजेस्टेड बाय द डैनियल कोस्टलैंड इन नाइनटीन फिफ्टी एट उन्नीस सौ अंठावन में डैनियल कोस्टलैंड ने पहली बार इंड्यूस्ड फिट मॉडल को सजेस्ट किया था एंड दिस इज़ मोर एक्सेप्टेड मॉडल फॉर द एंजाइम सब स्टेट कॉम्प्लेक्स दैन द लॉक एंड की मॉडल और लॉक एंड की मॉडल से ज़्यादा फेमस एंड ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है हमारा इंड्यूस्ड फिट मॉडल आई बात समझ में so it also suggests that the active sites continues to change until the substrate is completely bound to it at which point the final shape and charge is determined तो ये क्या सुझाता है ये ये भी सुझाता है कि enzymes के अंदर तब तक changes होते रहेंगे जब तक substrate हमारा completely bind ना हो जाए वहाँ पे और final shape और charge डिटरमाइंड नहीं कर लिए जाते हैं तो फिगर के अकॉर्डिंग देखते हैं कि यहाँ पे एंजाइम के पास तो हमारा शेप कुछ और है और सबस्ट्रेट के पास शेप कुछ और है लेकिन जैसे ही ये इसे इंटरेक्ट होने की कोशिश करता है और इसके पास में आता है इनकी शेप में चेंजेस होता है मतलब कि ये सबस्ट्रेट इट इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग सम चेंजेज़ इन द एंजाइम स्ट्रक्चर एंजाइम एक्टिव साइट शेप में तो वहाँ पे शेप में जब चेंजेस होता है तो एंजाइम चेंजेस द शेप स्लाइटली एज सबस्ट्रेट बाइंड्स अब यहाँ पे बाइंडिंग होगा और बनेगा क्या एंजाइम सब स्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है आई बात समझ में बनने के बाद क्या होता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर से वहाँ पे प्रोडक्ट दोनों अलग अलग बाहर निकल जाते हैं और हमारा जो एंजाइम का शेप है वो हमारा पहले जैसा गेन हो जाता है तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं एंजाइम रिएक्शन में अप नहीं होता वो बस रिएक्शन रेट को इनक्रीज़ करता है रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने में हेल्प करता है और फिर जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड हो जाता है और ख़ुद वहाँ से बाहर निकल जाता है आई बात समझ में दो मॉडल हम लोगों ने पढ़े लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल एंड इंड्यूस फिट मॉडल इज़ अ मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल होता है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एंजाइम के लिए हमेशा शेप प्रॉपर वहाँ मिले ही लॉकर की की तरह तो यहाँ पे क्या होता है कि सबस्ट्रेट पर्टिकुलर दैट एंजाइम के एक्टिव साइट्स में शेप में चेंजेस कराने में कैपेबल होते हैं और इसी तरह से हमारे में मोस्ट ऑफ द रिएक्शन कैरी आउट होती है और हमारा जो बॉडी है एक सिस्टम की तरह बिल्कुल परफेक्ट काम करता चला जाता है तो अब आगे चलेंगे हम कैटलिस्ट इन इंडस्ट्री कैटलिस्ट हम जो कि इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं वो क्या क्या होता आइए देखते हैं सम ऑफ़ द इम्पॉर्टेंट टेक्निकल

और कैटलिस्ट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फाइनली डिवाइडेड आयरन मोलिब्डेनम एज अ प्रमोटर एंड कंडीशन होती है 200 बार प्रेशर और 723 से 773 केल्विन का टेम्परेचर होता है वेरी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ये रिएक्शन कैरी आउट की जाती है और यहाँ पे फाइनली डिवाइडेड आयरन जो होता है हमारा एक कैटलिस्ट की तरह यूज़ होता है और उस कैटलिस्ट के लिए जो प्रमोटर का, का काम करता है वो है मोलिब्डेनम तो यहाँ पर आयरन और मोलिब्डेनम का दोनों का यूज़ हो गया सेकेंड प्रोसेस हमारा जो है ओसवाल प्रोसेस फॉर द मैनुफैक्चरिंग ऑफ द नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड बनाते हैं हम ओसवाल्ड प्रोसेस से और यहाँ पे प्लेटीनाइज एज बेस्टस यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट और टेम्परेचर यूज़ होता है 573 सेवेंटी थ्री कैलविन का आई बात समझ में नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है हमारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैनुफैक्चरिंग ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे हम प्लेटीनाइज एसबेस्टस यूज़ करते हैं या फिर बेनेडियम पेंटा ऑक्साइड वी टू फाइव इस्तेमाल करते हैं और टेम्परेचर होती है सिक्स सेवेंटी थ्री टू सेवन ट्वेंटी थ्री कैलविन का टेम्परेचर होता है वेरी हाई टेम्परेचर यूज़ करते हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम मेटल आयंस का भी यूज़ कर ले रहे हैं कुछ ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स का भी यूज़ कर ले रहे हैं एज ए कैटलिस्ट तो बहुत सारे कैटलिस्ट ऐसे यूज़ होते हैं फॉर uh, एक्ज़ाम्पल हम अगर अमोनिया uh, प्रिपेयर uh, कर रहे हैं हाइबर्स प्रोसेस में तो आयरन यूज़ कर रहे हैं तो जैसे जैसे हमारा क्या होता है वहाँ पे प्रोसेस चेंज होगा वैसे वैसे हम वहाँ पे कैटलिस्ट चेंज कर रहे हैं मतलब पर्टिकुलर एक रिएक्शन के लिए एक एंजाइम परफेक्ट होता है या एक कैटलिस्ट परफेक्ट होता है आई बात समझ में इसी तरह से हमारी बॉडी भी काम करती है कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग एंजाइम है प्रोटीन के लिए अलग एंजाइम है फैटी एसिड के लिए अलग एंजाइम है तो और जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं हर सिस्टम को डिग्रेड करने के लिए अलग अलग एंजाइम यूज़ होता है आई बात समझ में तो आज का ये छोटा सा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था ध्यान से पढ़िएगा समझिएगा और जो भी डाउट्स होता है आपके मन में हमारे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आप इंटेलेक्टस स्टडी को सर्च करके वहाँ पर भी ग्रुप ज्वाइन करके अपने क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर सकते हैं अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और वहाँ पे ज्वाइन करने पे एक प्रॉफिट ये भी होगा कि इसका पीडीएफ फॉर्म में भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं तो एक तरह से नोट्स भी आपको यहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है आई बस समझ में और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएँ ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ कुछ नॉलेजफुल टॉपिक के साथ थैंक यू हैव नाइस डे